श्रीमान अनुराग ठाकुर जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी मित्रों और सैकड़ों की संख्या में जो आज नए सहयोगी युवा मोर्चा में आए हैं, मैं आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप केवल एक संगठन में नहीं आए, आप एक राजनीतिक वैचारिक आंदोलन का आज से हिस्सा बने हैं। और युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में जो नौजवान कार्यकर्ता आते हैं, उनकी सक्रियता का एक तंत्र भी है और एक नेतृत्व, आज का भी नेतृत्व और भविष्य का भी नेतृत्व, उसको तैयार करने के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए भी एक संस्था है। युवाओं में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, किसी भी अभियान किसी भी कार्यक्रम में जो अग्रसर होते हैं पहली पंक्ति में आज नौजवान युवा होते हैं। युवाओं का दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है, इतिहास के बोझ से वो बंधे नहीं होते। नौजवान मन होता है, अपने आप में स्वच्छ होता है, सीखने की बहुत इच्छा भी होती है, कोई बहुत अच्छा वक्ता बनना चाहता है, कोई विचारक बनना चाहता है, कोई विचारधारा और तर्क को समझना चाहता है, कोई राजनीतिक मुद्दों को समझना चाहता है और अपने व्यक्तित्व का जो प्रभाव पड़ता है राजनीतिक क्षेत्र में, ये सब गुण उसका एक आधार बन जाते हैं। यूथ एस्पिरेशनल होता है, वो उम्मीद के साथ होता है और इसलिए आपने जो स्टडी सर्कल का एक कार्यक्रम आरंभ किया है, मैं युवा मोर्चा का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इसके लिए। राजनीतिक नेतृत्व, व्हाट डज यंग इंडिया वांट, मुझे लगता है कि एक बुनियादी प्रश्न छुपा हुआ है आपके आज के विषय में कि राजनीतिक नेतृत्व कैसे खड़ा होता है। और विशेष रूप से लोकतंत्र में कैसे बनता है। इस देश में राजनीतिक नेतृत्व तैयार होने के केवल दो रास्ते हैं, एक वो जो बड़े घरानों में पैदा हुए, राजनीतिक घरानों में पैदा हुए और उसी के माध्यम से वो नेता बन गए। और दूसरा वो जिसने एक एक राजनीतिक सीढ़ी चढ़ी और अपनी क्षमता के आधार पर नेता बने। पिछले दो दशकों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश की राजनीति में हुआ है। बड़ी मात्रा में ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका नियंत्रण एक परिवार के हाथों में है। पहले हमें एक दल ऐसा लगता था, आज आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जो इस देश का मानचित्र है उसके ऊपर नजर घुमाएंगे और एक एक राज्य में एक एक दल जो है उसका विश्लेषण करेंगे,
तो ऐसे दल हैं जिनका नियंत्रण पूर्ण रूप से एक परिवार के हाथ में है। दल में सक्रिय रहने का अवसर तो बहुतों को मिलेगा, लेकिन ऊपर का जो पहला पद है उसकी बुकिंग पहले से हो चुकी होती है, कोई दूसरा उस वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकता। हम इसे परिवारवाद की राजनीति या वंशवाद की राजनीति कहते हैं। मैं हमेशा मानता रहा हूं कि राजनीतिक नेतृत्व खड़ा होना, और एक विकृत सोच भी इस देश में है। अभी मोदी जी का जिक्र अनुराग जी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले चर्चा क्या होती थी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह गर्व का विषय है कि पहली पंक्ति में खड़े होने वाले हमारे पास 10 बड़े नेता हैं। कोई मुख्यमंत्री है, कोई केंद्रीय पदाधिकारी है, कोई संसदीय नेता है, और किसी भी स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी में एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप हो वो तो इस पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक लाभ का विषय है, गर्व का विषय है, इट्स एन एसेट। लेकिन इस देश की सोच ऐसी विकृत हो रही थी कि गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप होना यह आलोचना का विषय बन गया था, और जो वंशवाद के आधार पर तय करते हैं कि नेता कौन होगा, उसको गुण और सरलता का विषय मान लेते थे कि वहां कोई तकलीफ नहीं है। पिछले 3-4 दिन में क्या हुआ, मैं मानता हूं कि ये जो ऑर्डिनेंस सदायाफ्ता लोग भी संसद या विधानसभा के सदस्य रह सकते हैं, जो सरकार लाई अपने आप में अनुचित था, इसको वापस ले लेना चाहिए। और वापस लेने के जो कारण हम लोगों ने दिए थे वो 3 थे। अगर आप पार्टी की वेबसाइट पर चले जाएं तो हमारा एक ज्ञापन है जो राष्ट्रपति जी को दिया, और एक लेख था जो मैंने लिखा, लगभग दोनों में मेल था। पहला कारण था कि यह सोच कि जिसको कोर्ट से सजा हो चुकी है वो लेजिस्लेटिव बॉडी में जाकर कानून बनाने वाला हो जाएगा, यह नैतिक दृष्टि से गलत है, राजनीतिक दृष्टि से गलत है। दूसरा यह कि आप ऑर्डिनेंस क्यों ले आए, बिल स्टैंडिंग कमेटी के सामने था, स्टैंडिंग कमेटी तय करती, संसद ने पारित नहीं किया, इसका यह मतलब कि सत्र के बाद आप ऑर्डिनेंस ले आए। और तीसरा कारण उसकी विधान संवैधानिक क्षमता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है, उसको लेकर भी हमने प्रश्न चिन्ह लगाया था। किसी भी लोकतंत्र के लिए ये अच्छी शुरुआत होती और अच्छा संकेत होता कि संवैधानिकता और नैतिकता के कारण की वजह से आज सरकार उसको वापस लेती। इट वुड हैव बीन अ ग्रेट डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी इफ दिस हैड बीन विथड्रॉन ऑन ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। उस वजह से वापस नहीं लिया, वापस इस वजह से लिया कि जो परिवार कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल करता है उसके एक सदस्य ने कह दिया कि मैं इसको आज स्वीकार नहीं कर रहा, और इस देश का मंत्रिपरिषद, इस देश की कांग्रेस पार्टी का ढांचा, कांग्रेस पार्टी का कोर ग्रुप, वो उस व्यक्ति के सामने छोटा पड़ गया, दे बिकेम सबसर्वियंट टू इट। तो आज अगर ये ऑर्डिनेंस वापस होता है
तो इसका कारण कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या मोरालिटी नहीं है, इसका कारण यह है कि डायनेस्टी प्रिवेल्स ओवर द गवर्नमेंट। और ये दूसरा विषय है कि जब ये बिल संसद के सामने आया मंत्रिपरिषद से पास होकर, तो उनको समझ में नहीं आया, इसका राजनीतिक बहस होती रही तब भी समझ में नहीं आया, जब ऑर्डिनेंस सामने आया तब भी समझ में नहीं आया, हम राष्ट्रपति जी के पास गए और राष्ट्रपति जी ने उसके ऊपर रोक लिया और मंत्रियों को बुलाना शुरू कर दिया, तो तब जाकर समझ में आया कि इसको वापस क्यों ले। मैं उसी मूल विषय के संदर्भ में यह कह रहा हूं कि राजनीतिक नेतृत्व कैसे बनता है। क्षमता के आधार पर बनता है या वंशवाद के आधार पर बनता है? और जब तक हम क्षमता के आधार पर बना हुआ राजनीतिक नेतृत्व ही केवल स्वीकृत होगा, इस देश के अंदर यह सिद्धांत लागू नहीं करवा देते, तब तक इस देश के अंदर लोकतंत्र का सही अर्थ नहीं निकल पाएगा। कौन जानता था चुनाव से पहले कि राष्ट्रपति ओबामा कौन है? ये तो चुनाव अभियान के दौरान समझ आने लगा कि उनकी क्षमता क्या है। कई देशों में यह हुआ है। और इसलिए अगर इस देश को एक सक्रिय लोकतंत्र के मार्ग पर लगना है, तो इस देश में जो नौजवान राजनीति में आते हैं, आप सब आए हो सकता है कि इस देश का कोई भावी प्रधानमंत्री आपके बीच में बैठा हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी में यह संभव है, कांग्रेस में यह संभव नहीं है। दोनों पार्टियों के बीच में एक बुनियादी अंतर है कि किसके नाम के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है। कांग्रेस में उसका महत्व है, भारतीय जनता पार्टी में उसका महत्व नहीं है। इन द बीजेपी सरनेम्स डोंट मैटर। हमारा समस्त राजनीतिक नेतृत्व माननीय अटल जी से लेकर आज तक जितने लोग हैं, शायद ही कोई हो जो राजनीतिक परिवारों से भी आया हो, शायद ही कोई हो जिसके परिवार में कौन लोग हैं उसकी जानकारी भी किसी को हो, बहुत कम उदाहरण है। और जो कुछ लोग आते हैं वो क्षमता के आधार पर मेहनत कर आते हैं, उनको भी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। और 20-20, 30-30 साल मेहनत कर उनको पहला स्थान तब मिलता है। और इसका प्रत्यक्ष असर जो होता है वो शासन करना, राजनीति करना उस क्षमता के आधार पर होता है। आज अगर इस देश के अंदर हम संकट माने तो नौजवान क्या चाहते हैं? नौजवान एक मजबूत भारत चाहते हैं। कितनी क्षमता और शक्ति इस देश की, कितने साधन इस देश को सुरक्षित रखने में रह गए। पाकिस्तान आज तक इस बात को हजम नहीं कर पाया कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। और हमारे और कांग्रेस के वैचारिक टकराव का एक मुख्य केंद्र बिंदु कश्मीर है, जो अलग दर्जा दिया जाएगा ये कल्पना सोची थी पंडित जी के समय पर, वो पिछले 63 वर्ष की यात्रा सेपरेट स्टेटस की, अलग दर्जे की, अलग दर्जे से शुरू हुई और अलगाववाद तक पहुंच गई, सेपरेट स्टेटस से शुरू होकर सेपरेटिज्म तक पहुंच गई।
मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जब कभी इस युग का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास को एक कठोर निर्णय भी करना पड़ेगा कि कश्मीर को लेकर कौन सा दृष्टिकोण सही था, पंडित नेहरू का या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। और कभी ना कभी इस कठोर विषय के ऊपर इतिहास को निर्णय निश्चित रूप से करना पड़ेगा। और कई विषयों में यह मतभेद सामने आता है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, अनुराग जी इसका वर्णन कर रहे थे, वो आपके जवानों को मार दे, वो एलओसी को बार बार तोड़ दे, इस देश के अंदर आतंकवाद मचाता रहे, और आप इच्छा दिखला रहे हैं कि किसी प्रकार से उनसे बातचीत हो जाए। किसी स्तर पे भी बातचीत ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कोई युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, कोई जिम्मेवार दल ये नहीं कहेगा, लेकिन बातचीत का एक समय होता है, एक माहौल होता है। कई बार बातचीत न करना भी अपने आप में दबाव होता है। किस स्तर पे बात की जाए वो भी एक कूटनीति होती है, किस उद्देश्य के साथ बात की जाए वो भी एक कूटनीति होती है। और अगर इन दृष्टियों के ऊपर नजर डाले बगैर आप बातचीत करने पहुंच जाओगे न्यूयॉर्क में, तो वो बातचीत केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी रह जाएगी, जो इस बार नवाज शरीफ साहब की और प्रधानमंत्री जी की बातचीत हुई, कि एक तरफ वो कश्मीर का विषय जनरल असेंबली में उठा रहे हैं, एक तरफ बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन कर रहे हैं, एक तरफ वो बीच भारत के भीतर आकर आतंक की घटनाएं करवा रहे हैं, ये तो चल नहीं सकता। इसके अतिरिक्त मित्रों, जब मैं कहता हूं कि नौजवान इस देश को मजबूत चाहता है और इस देश को मजबूत रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए चाहता है, चाइना के संबंध में कोई नीति नहीं है, वो घुस जाएं, वो आक्रामक हो जाएं, वो असर्टिव हो जाएं, वो पूरे अरुणाचल की तरफ अपनी नजर रखें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भीतर आते रहें, हमारा कोई दृष्टिकोण नहीं है। माओवादियों से कैसे निपटना है, सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है। लोकतंत्र को उखाड़ फेंकना चाहते हैं माओवादी, और सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि उससे कैसे निपटा जाए। नौजवान चाहता है कि इस देश का राजनीतिक नेतृत्व वो हो जो आर्थिक दृष्टि से इस देश को मजबूत कर दे। राजनीतिक नेतृत्व वो होता है जो अर्थव्यवस्था के संबंध में निर्णय ले पाए, कड़वे निर्णय ले पाए। प्रधानमंत्री वो व्यक्ति होता है जो देश का स्वाभाविक नेता हो, अपने दल का स्वाभाविक नेता हो, सबकी बात सुन ले, और किसकी बात स्वीकार करनी है यह प्रधानमंत्री का अंतिम अधिकार होता है। प्रधानमंत्री को उनसे आधी उम्र का उनके पार्टी का नेता ओवररूल कर दे तो फिर प्रधानमंत्री का पद जो है वो छोटा और बौना हो जाता है। सरकार के बाहर बनी हुई कोई एडवाइजरी काउंसिल केवल वही आदेश देती रहे और प्रधानमंत्री उसको लागू करे, फिर देश की अर्थव्यवस्था की यह हालत हो जाएगी कि वो धीमी पड़ जाएगी, विकास दर नीचे गिर जाएगी, निवेश कमजोर हो जाएगा, देश के भीतर से निवेश बाहर जाने लग पड़ेगा, रुपया कमजोर हो जाएगा, डॉलर की तुलना में महंगा हो जाएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा, रोजगार कम होंगे, सरकार की जेब में राजस्व कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमजोरी आएगी, सामाजिक कार्यक्रम है सरकार के उसके अंदर कमजोरी आएगी,
आप एक एक उदाहरण भ्रष्टाचार का देख लीजिए। जब जनवरी 2008 में स्पेक्ट्रम 2001 के दाम पे दिया जा रहा था तो एक के बाद एक पत्र जाते थे प्रधानमंत्री को कि इसको रोकिए, यह इस देश की जनता का एसेट है, इसको लूटने नहीं दे सकते। आपकी पीठ के पीछे नहीं हुआ, आपके नाक के नीचे हुआ और उसका आवंटन आपने होने दिया। पूरे टेलीकॉम सेक्टर को उससे सदमा लगा। पूरी दुनिया कह रही थी कि कोयले की खदानें किस तरीके से जा रही हैं। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की खदान आप बिना पैसा लिए हुए अपनी पार्टी के नुमाइंदों को दिए जा रहे हो। आज वहां पर खनन नहीं हो रहा। $20 बिलियन का सालाना बाहर से कोला मंगवाना पड़ रहा, नहीं तो बिजली कारखाने बंद हो जाएंगे देश के। यह भ्रष्टाचार की स्थिति है। आज का नौजवान चाहता है कि किसी प्रकार से समाज में तनाव ना हो, अन्याय ना हो। भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, सबको इस देश में बराबरी का अधिकार रहेगा, सबके अधिकार की पूरी रक्षा रहेगी। और जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं वो पूरे समाज की छवि बिगाड़ते हैं। जो सांप्रदायिक तनाव किश्तवाड़ या मुजफ्फरनगर में हुआ, आज भी कोई ईमानदारी से उसके ऊपर आकलन करने को तैयार नहीं है। मैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग में था, वो किश्तवाड़ और मुजफ्फरनगर का विश्लेषण नहीं करते थे। उसका 2014 के चुनाव पे असर क्या होगा इसके चिंता करते थे। प्रशासन विफल हो गया। जब तनाव हो तो लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। दोनों स्थानों पर यह हुआ। इस परिस्थिति में मित्रों, आज हम जब खड़े हैं अक्टूबर में, तो आज से 6 महीने बाद आम चुनाव हो रहा होगा। मैं कल भी इसी कक्ष में मैंने कहा था अनुराग जी के कुछ साथियों को जो मीडिया और सोशल मीडिया देखते हैं कि इस बार का चुनाव सरकार विरोधी भावना के आधार पर होगा, एक एंटी इनकम्बेंसी पे होगा। सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार और नेतृत्वहीनता के विषयों को लेकर इस देश की जनता सरकार को उखाड़ फेंकने में लगी है। और एक कमजोर सरकार, ये जो पिछले 2-3 दिन में आपने देखा है कि शासक दल के अंदर अंतर विरोध पैदा हो जाए, यह आपने देखा है। जब राज जाने लगता है तो इसी प्रकार की घटनाएं होती हैं। और इसलिए ये कार्यक्रमों का भी चुनाव होगा, ये सरकार विरोधी भावना के आधार पर चुनाव होगा और नेतृत्व की पहचान पर भी चुनाव होगा। जिसको जनमत कहते हैं, नेतृत्व के आधार पर भी होगा। रेफरेंडम ऑन लीडरशिप होगा, चॉइस बिटवीन पार्टीज होगा। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका यह बयान, आनंद आया मुझे देखकर, कि सारी सेक्युलरवादी ताकतें खड़ी हो जाओ, नरेंद्र मोदी को रोकना है। वो बचाव की मुद्रा में अब आ रहे हैं। इज अडॉप्टिंग अ डिफेंसिव पोस्चर। ये खतरा उनको भी नजर आ रहा है और इसलिए इस भ्रष्ट शासन को
जिसने एक देश की अर्थव्यवस्था जिसके नेतृत्व में चरमरा रही है, नेतृत्वहीन शासन को जितने राजनीतिक दल और राजनीतिक ताकतें भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और इस प्रकार के शासन के खिलाफ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए, कांग्रेस के साथ जा नहीं सकती। और इस बार जो उनके साथ जाएगा वो एक डूबते हुए दल के साथ स्वयं भी डूब जाएगा। ये परिस्थिति आज की राजनीति की है, राजनीति इस दिशा में जा रही है और अगले 6-7 महीने आप लोगों की जो ऊर्जा है ये पूरी हमें चाहिए कि आप जितना समय अधिक से अधिक दे पाओ अपने अपने क्षेत्रों में और जो जिम्मेवारी आपको दी जाए संगठन का काम कीजिए, जितने राजनीतिक मुद्दे उठते हैं उसके संबंध में पार्टी की प्रतिक्रिया क्या रहती है उसको आप समझने का भी प्रयास कीजिए और समझने के बाद हर व्यक्ति के साथ माहौल बहुत अनुकूल बन रहा है। लोग गणित लगाते हैं कि कहाँ कितनी सीटें आएंगी, जो गणित में उलझेंगे उनका आकलन गलत हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि दिस इलेक्शन इज नॉट अबाउट अरिथमेटिक, जमीन की हकीकत बदल चुकी है, वास्तविकता बदल चुकी है। दिस इलेक्शन इज अबाउट अ चेंज्ड केमिस्ट्री ऑन द ग्राउंड, दिस इज नॉट अबाउट अरिथमेटिक। और इसलिए इसमें से क्या परिणाम निकलेगा वो हमारे विरोधियों को तो परेशान करेगा, हमारे लिए भी बहुत हैरानी का विषय बन जाएगा। और उसकी तैयारी में आप लोग लगिए। आप सब ने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।